हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 का गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 6.2, इसको हम लोग बोलते हैं वर्धमान एवं ह्रासमान फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और 6.5 इसको बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.2 और एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन से। बच्चों, हम लोग इसका फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो हम जानने का प्रयास करेंगे 6.2 में, ये एनसीईआरटी आपकी जो बुक है बच्चों, एनसीईआरटी बुक के तहत हम लोग 6.2 को स्टार्ट करेंगे, जो आपकी है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन की। बच्चों, पहले जानने का प्रयास करेंगे कि वर्धमान ह्रासमान फलन क्या होता है। तो बच्चों देखिए, वर्धमान फलन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन दिया है उसका प्रथम अवकलज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं वर्धमान। बहुत ध्यान सुनिएगा, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डेस एक्स यानी कि प्रथम अवकलज जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। और इस कंडीशन में बच्चों हमेशा हम लोग प्रयोग करेंगे इसके अंतराल के लिए हमेशा क्लोज इंटरवल समवर्त अंतराल का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, अगर कहते निरंतर वर्धमान है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते बच्चों, तो वहाँ पर सिर्फ एफ डेस एक्स लेस ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल नहीं लगेगा। वहाँ पर निरंतर वर्धमान में वो कभी भी रुकेगा नहीं, ग्राफ कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर एफ डेस एक्स है वो हमेशा 0 के बड़ा होगा, कभी उसके बराबर नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में बच्चों लगाएंगे ओपन इंटरवल, जहाँ जहाँ निरंतर शब्द का प्रयोग होगा बच्चों वहाँ पर लगाएंगे ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल का प्रयोग करेंगे। ह्रासमान के लिए बच्चों एफ डेस एक्स है जो आपका लेस आर इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर प्रयोग करेंगे बच्चों फिर से आपका क्लोज इंटरवल। और निरंतर ह्रासमान के लिए बच्चों करेंगे एफ डेस एक्स लेस देन 0, प्रयोग करेंगे बच्चों यहाँ पर ओपन इंटरवल। तो इन चीज़ों को जानने के बाद हम लोग प्रश्नावली के सवालों को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली है आपकी 6.2 एनसीईआरटी की, और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। सबके पास में एनसीईआरटी बुक होगी, मैं क्वेश्चन को बार बार बोलता रहूँगा, आप नोट भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं बच्चों। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों है, सिद्ध कीजिए आर पर यानी रियल नंबर पर सभी वास्तविक संख्याओं पर फंक्शन बच्चों दिया गया है आपको 3x+17। जो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका आया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x+17। और बच्चों कहा गया है निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है बच्चों। एनसीईआरटी में एक बात ध्यान रखना, जहाँ जहाँ पे वर्धमान लिखा है वहाँ पर सब जगह पर निरंतर वर्धमान है। आपका इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ वर्धमान लिखा है वहाँ पर हम लेके चलेंगे निरंतर वर्धमान, और जहाँ जहाँ ह्रासमान लिखा है वहाँ लेके चलेंगे निरंतर ह्रासमान। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि सिद्ध करना है कि निरंतर वर्धमान है, और निरंतर वर्धमान की शर्त ये है बच्चों कि जो फलन आपको दिया गया है उसका अगर अवकलन करें और वो अवकलन 0 से बड़ा आ जाए, कहने का मतलब पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए, तो जो फलन है वो निरंतर वर्धमान होता है। तो बहुत आसान है बच्चों, उसका सिर्फ आपको क्या करना था, डेरिवेटिव करना था। तो बच्चों देखिए, इसका जब अवकलन करेंगे एफ डेस एक्स आप निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, देखो 3x में 3 कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो 3 × 1 और 17 कांस्टेंट हो जाएगा 0। तो बच्चों निकल के आया 3, जो कि आपका ग्रेटर देन है 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो आप लिखेंगे एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। निरंतर वर्धमान के लिए क्या है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है बच्चों उसका एक बार अवकलन करो, अवकलन करने पर जो वैल्यू आपको निकल करके आ रही है वो धनात्मक आए, कहने का मतलब 0 से बड़ी आ जाए, उसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान है। तो दिया गया फलन आपका निरंतर कैसा है, वर्धमान है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखिए, फिर से कह रहे हैं रियल नंबर पे, रियल नंबर पे आपको फिर से दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू e^2x। बच्चों e^2x आपको दिया गया है, इसको चेक करना है कि निरंतर वर्धमान है। तो बच्चों क्या करना है, निरंतर वर्धमान है ह्रासमान चेक करने के लिए पहले उसको आपका प्रथम अवकलज करना है। तो प्यारे बच्चों इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो बच्चों e^x का तो हो जाएगा e^x यानी e^2x हो जाएगा, और इस 2x का दोबारा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2। तो ओवरऑल देखिए बच्चों 2 × e^2x आ जाएगा, और प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सर कैसे होगा, क्योंकि बच्चों जो e है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपका हमेशा 2 से 3 के बीच में होता है, पॉजिटिव होता है। इसकी पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऑलवेज आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए फंक्शन कैसा बच्चों है, निरंतर वर्धमान है। कैसा है, निरंतर वर्धमान है। कैसा है बच्चों, निरंतर वर्धमान है। उम्मीद करता हूँ सुन में साइन एक्स इनको बहुत अच्छे समझेंगे बच्चे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात दिया हो, साइन एक्स कॉन कॉस टेन कॉट से कुछ भी दिया हो, इसमें बच्चों इंटरवल उन्होंने खुद दे रखे हैं। देखिए निरंतर वर्धमान के लिए उन्होंने ओपन इंटरवल लगाया हुआ है पहला,
तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 0 से π/2 क्वेश्चन देखें, तो इसका जो पहला इंटरवल इनका है ये कह रहे हैं कि 0 से π/2, और बच्चों ये ओपन इंटरवल है, इसमें कह रहे हैं में निरंतर वर्धमान है, में निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और सेकेंड बच्चों इंटरवल आपका दिया गया है, इन्होंने दिया है कि π/2 से π, इसमें भी ओपन लगा है, इसमें बच्चों आपको करना है में आपका ये निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले इसके लिए क्या करना है आपको, एक बना लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक साइकिल। कैसे देखिए बच्चों कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों ये क्या आपका 0 डिग्री है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2, और अगेन फिर से क्या है 2π है। ASTC रूल है बच्चों, आवश्यक है ट्रिग्नोमेट्रिक साइकिल, यानी ये आपका है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसेक बच्चों हैं पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और कॉट है बच्चों पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस और सेक है बच्चों पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों, ये आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है। तो बच्चों इसमें और एक और बच्चों से प्रश्न, 3 प्रश्न दिए गए हैं, 0 से π में ना वर्धमान ना ह्रासमान है। जी हाँ, सी नंबर इसका बच्चों पार्ट दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं जो सी नंबर पार्ट है, वो कह रहा है 0 से π ओपन इंटरवल में ये निंड फंक्शन है। निंड मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान है और ना ही कैसा है ये ह्रासमान है। तो देखिए बच्चों fx बराबर दिया गया है sin x, सबसे पहले आप क्या करेंगे ये चेक करने के लिए, पहले आप इसका प्रथम कोटि अवकलज करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी इसका बच्चों अवकलन ज्ञात करेंगे। और बच्चों ने बढ़िया से सीखा हुआ है कि sin x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, cos x होता है, cos x का क्या होता है बच्चों माइनस का sin x होता है, tan x का अवकलन बच्चों क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो बच्चों fx का sin x दिया गया है, इससे पहले इसका करेंगे f'x यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो प्यारे बच्चों मिलेगा आपको cos x, हमको चेक करना है इसी cos x को, इसी cos x को बच्चों चेक करना है। इंटरवल पहला दिया गया 0 से π/2, जिसमें 0 और π/2 को नहीं लेना है, इनको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर लगा है बच्चों ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। तो प्यारे बच्चों 0 से π/2 की बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो बच्चों यहाँ पर 0 से π/2 में लिखा है ए पॉजिटिव यानी ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, तो 0 से π/2 में यानी अगर एक्स बिलोंग कर दें बच्चों ओपन इंटरवल 0 से π/2 में, तो जो आपका f'x बच्चों आया है cos x, वो हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा ग्रेटर देन 0। तो सिद्ध हो गया है कि इस इंटरवल में फलन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है आपका, किसमें 0 से π/2 में, क्योंकि 0 से π/2 में चाहे साइन हो कॉस हो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एएसटीसी रूल्स। क्लियर है बच्चों। इसके बाद विद्यार्थियों पूछा गया है π/2 से π यानी इस इंटरवल में, और बच्चों को पता है इस इंटरवल में साइन और कॉसेक का एरिया है, साइन और कॉसेक को छोड़कर सभी निगेटिव होने वाले हैं, तो बच्चों हमारे पास क्या है कॉस एक्स, तो ये एरिया साइन और कॉसेक का है, तो कॉसेक कैसा हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे अगर एक्स बिलोंग कर रहा है π/2 से π में प्यारे बच्चों, तो इस रूल के हिसाब से ये चूंकि साइन और कॉसेक का एरिया है, लिखेंगे f'x जो आएगा वो निगेटिव आएगा, और निगेटिव को बोलते हैं लेस देन जीरो, क्या बोलते हैं लेस देन जीरो, तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कितना आसान समझना, देखिए 0 से π में, तो प्यारे बच्चों जब एक इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, देखिए, और π/2 से π तक कैसा आ रहा है निगेटिव आ रहा है, जब एक अंतराल में पॉजिटिव और एक अंतराल में निगेटिव आता है, तो ऐसे फलन को बोलते हैं ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, निंड फंक्शन होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बच्चों ना तो यहाँ पर वर्धमान है और ना ही यहाँ पर ह्रासमान है, क्योंकि आप क्या लिखेंगे इस वाले के लिए, इस वाले के लिखेंगे कि जब x बिलोंग कर रहा है मेरा कहाँ से कहाँ तक बच्चों ओपन इंटरवल 0 से π/2, तो उस समय जो f'x है वो आपका क्या है f'x जो बच्चों है आपका वो ग्रेटर देन 0 है, और x जब बिलोंग कर रहा है आपका 0 से π में, तब f'x आपका क्या है लेस देन 0 है। तो बच्चों ओवरऑल जो x बिलोंग करेगा 0 से π में, तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है पूरी तरीके से, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे बच्चों ना तो वर्धमान है और ना ही क्या है ह्रासमान है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक फंक्शन, और बच्चों इसमें दो कंडीशन दी गई हैं, निरंतर वर्धमान में इंटरवल ज्ञात करना है और निरंतर ह्रासमान का इंटरवल ज्ञात करना है। फंक्शन बच्चों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका NCERT बुक का पेज नंबर 222,
एफ एक्स बराबर 2x² - 3x दिया गया है। तो बच्चों हमें कोई भी इंटरवल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका प्रथम कोटि अवकलज करना है। तो प्यारे बच्चों इसका करेंगे अवकलज, तो एफ डैस एक्स निकालेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा देखिए 4x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग करते हैं इसको जीरो के इक्वल, क्या करते हैं जीरो के इक्वल करते हैं, या तो ऐसे निकाल लीजिए या फिर आप देखिए इसे पहला इंटरवल कहा उसने निरंतर वर्धमान, देखना उसने कहा आपसे निरंतर वर्धमान। तो बच्चों निरंतर वर्धमान के लिए आपका कहना साफ साफ है कि एफ डेस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जब खुद ही कह दिया है कि निरंतर वर्धमान की शर्त में एफ डेस एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एफ डेस एक्स कितना बच्चों देखिए 4x माइनस 3 है, ये क्या होगा बच्चों ये ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन होगा 3/4 के। x 3/4 से बड़ा होगा तो बच्चों x का मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू 3/4 से बड़ा, यानी कि ओपन इंटरवल 3/4 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों, ये हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट बच्चों इसमें कहा आपसे निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान कह दिया बच्चों, तो निरंतर ह्रासमान में आपका जो एफ डेस एक्स है प्यारे बच्चों वो लेस देन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा, तो एफ डेस एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। तो बच्चों एफ डेस एक्स क्या है आपका देखिए 4x माइनस 3 है, ये आपका होगा लेस देन जीरो, चूंकि आपकी जो शर्त है निरंतर ह्रासमान की वो है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डेस एक्स है वो जीरो से छोटा होना चाहिए। तो 4x माइनस 3 लेस देन जीरो, इट मीन्स यू कैन राइट एक्स इज लेस देन 3/4। x 3/4 से छोटा होगा तो बच्चों यहाँ पर x बिलोंग करेगा, 3/4 से छोटा होगा तो 3/4 से आते हुए माइनस इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा। तो बच्चों निरंतर वर्तमान के लिए ये इंटरवल बन जाएगा और निरंतर ह्रासमान के लिए ये इंटरवल बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के सवाल समझ में आ रहे हैं कि किस प्रकार से फंक्शन दिया गया हो उसका हमको इंटरवल ज्ञात करना होता है। नंबर 5 जो उसका दिया गया है, फंक्शन दिया गया है आपको 2x³ - 3x² और -36x+7। इसमें भी बच्चों आपको निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता में शामिल है कि हम इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों अवकलन करेंगे, इसके बाद हम इंटरवल में इसको ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसको करते हैं इसका अवकलन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले इसका करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स जब बच्चों करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 3^6x² और 3^6x और माइनस का 36। इतना तो आपको अच्छे से पता है बच्चों, जी हाँ। अब देखिए बच्चों इसका इसको अगर थोड़ा सा सिंपल करने का प्रयास करें बच्चों, तो जो एफ डेस एक्स है इसमें से 6 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा x² - x माइनस का 6 बचेगा। और सिंपल करें बच्चों इसका कर दें फैक्टर, तो आप देखिए बच्चों जो एफ डेस एक्स है आपका वो कितना हो जाएगा 6 तो बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए तो 3^6 यानी कि x माइनस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 2। तो एकदम आसान हो गया बच्चों आपका, ये एकदम से आसान हो गया है प्यारे बच्चों। और अभी बात करना है उसकी निरंतर वर्धमान की, ठीक है ना, एफ डेस एक्स आपका निकल चुका आ चुका है। अभी निरंतर वर्धमान में पूछ रहा है इंटरवल और पूछ रहा है निरंतर ह्रासमान में इंटरवल पूछ रहा है। तो निरंतर वर्धमान की बात करें और निरंतर ह्रासमान की बात करें, तो आप चाहो तो बच्चों इसको नंबर लाइन से चेक कर सकते हो। इसको पहले हम लोग कर दें इक्वल जीरो के, क्योंकि हम लोग यहाँ निकालते हैं क्रांतिक बिंदुओं को, क्रिटिकल पॉइंट को ज्ञात करते हैं बच्चों। तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए समझने की कोशिश करिए बच्चे, इससे निकालते हैं हम लोग क्रांतिक बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, जो एफ डेस एक्स की वैल्यू होती है उसको शून्य के इक्वल कर दिया जाता है, और शून्य के इक्वल करने से जो एक्स और वाई जेड के वैल्यू निकलती हैं वही आपके क्रांतिक बिंदु होते हैं। तो बच्चों जब इसको हम जीरो के इक्वल करेंगे तो आप देखिए एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3+2 था बच्चों तो यह आ जाएगा -2, 3, -2 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसके बाद बच्चों नंबर लाइन चेक करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर बनाएंगे नंबर लाइन इस प्रकार से और इन इंटरवल को लिखा जाएगा। तो बच्चों देखिए ये होगा आपका प्लस का इन्फिनिटी, ये हो गया बच्चों आपका माइनस का इन्फिनिटी, ये हो गया बच्चों आपका माइनस का 2 और ये हो गया आपका प्लस का। चुके आपके सामने 3, देखिए एक ये इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, एक ये इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, एक ये इंटरवल, 3 बन चुके हैं बच्चों। चेक करना है कहाँ पर कौन सा साइन मिल रहा है। तो बच्चों अगर हम लोग पहला इंटरवल देखें, मतलब एक्स अगर आपका बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2, तो यहाँ पर चिन्ह चेक कर लेते हैं एफ डेस एक्स का चिन्ह चेक कर लेते हैं बच्चों। तो -2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर रख लीजिए, -3 रख लीजिए, -4, -5 जो आपका मन करे। मान लीजिए -3 ले लिया मैंने, मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ब्लैक से लिखा -3 ले लिया, तो -3 पर हम चेक करेंगे एफ डेस एक्स। तो बच्चों -3, -3, -6 और -3+2 -1, तो -(-) क्या आ गया प्लस आ गया, यानी ग्रेटर देन क्या आ गया जीरो आ गया।
और ग्रेटर देन जीरो जो क्या है, निरंतर वर्तमान को बता रहा है, सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये इंटरवल चेक कर लें जरा कि x बिलोंग कर रहा है उस टाइम पे मेरा क्या माइनस टू से थ्री के बीच में, तब एफ डेस एक्स चेक कर लें। बच्चों माइनस टू से थ्री के बीच में वन भी आ जाएगा, माइनस वन भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, तो हम लोग जीरो को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखी दे रहा हूँ ब्लैक से, इसको जीरो पे चेक कर लेते हैं। तो रखिए जीरो एफ डेस एक्स में, तो जीरो माइनस थ्री माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो लेस देन जीरो हो गया। और अगर एफ डेस एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है, उसको बोलते हैं निरंतर हरासमेंट बोलते हैं। मतलब ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्तमान है। यहाँ पर क्या है, एस डी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब बच्चों चेक करें थ्री से इन्फिनिटी में, तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है आपका थ्री से इन्फिनिटी में, एक्स बिलोंग कर रहा है अगर आपका थ्री से इन्फिनिटी में, तो उस समय बच्चों जो एफ डेस एक्स है वो चेक करें। तो बच्चों तीन से इन्फिनिटी के बीच में लेने कोई संख्या, मान लीजिए चार ले लेते हैं, तो चार माइनस तीन करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, चार प्लस दो पॉजिटिव, इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बच्चों ओवरऑल देखा जाए तो दो इंटरवल में आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो उसको ऐसे लिख देंगे बच्चों, कैसे लिख देंगे देखिए, कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और मिला करके कितना, तीन से इन्फिनिटी, इसमें बच्चों आपका है निरंतर वर्धमान, कैसा है, निरंतर वर्धमान है। और बात करें माइनस दो से तीन तक में, तो बच्चों यहाँ पर है आपका निरंतर ह्रासमान है, क्या है, निरंतर ह्रासमान है। इस इंटरवल में बच्चों आपका निरंतर वर्धमान रहेगा, और इस इंटरवल में बच्चों क्या रहेगा, आपका निरंतर ये ह्रासमान रहेगा।